हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो आरआरबी क्लर्क और पीओ की जो वैकेंसीज हैं इनके रिगार्डिंग जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि जो आरआरबी क्लर्क और पीओ के लिए प्री और मेंस के लिए जो टॉपिक रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे। देखिए, दो एग्ज़ाम फेस करने होंगे, एक तो प्री और एक मेंस। अगर बात हम करें प्री की तो उसमें रीजनिंग जो है 40 नंबर की टोटल आएगी और जो मैथ्स होगी वो भी 40 नंबर की आएगी। 40-40 नंबर की है रीजनिंग और मैथ्स होगी, टोटल 80 मार्क्स की ये प्री का एग्ज़ाम आपका रहेगा। इसके लिए समय जो मिलेगा वो टोटल 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। अब बात करें हम अगर मेंस की तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, 40 क्वेश्चन 50 नंबर। मैथ्स की बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के लिए। जनरल अवेयरनेस की बात करें जिसमें बैंकिंग और करेंट अफेयर्स होगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए। और बात करें हिंदी और इंग्लिश का जो होगा ऑप्शनल, यानी कि कोई एक आप करोगे चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, उसके लिए आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके लिए 40 नंबर होंगे। बात करें लास्ट में कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन के लिए जो नंबर होंगे वो 20 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। तो ये रहा प्री और मेंस की। बात करें अगर रीजनिंग के सिलेबस की, जिसको मैं आपको लगातार सारे टॉपिक जितने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये सारे मैं डिस्कस करूँगा आपसे, तो एक तो ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरा अल्फाबेटिकल सीरीज है, तीसरा डायरेक्शन है, चौथा रैंकिंग का है, पांचवा कोडिंग डिकोडिंग, छठा सीटिंग अरेंजमेंट, सातवा डेटा सफिशिएंसी और आठवां आपका इनइक्वालिटी। अगर हम बात करें इन टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो मान के चलिए कम से कम 2 से 3 नंबर का ब्लड रिलेशन, प्योरली ब्लड रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज एक आएगी जरूर 5 नंबर की, डायरेक्शन के 1 से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग के भी ऐसे ही 1 से 2, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 5 नंबर तक, अगर एक न्यू पैटर्न बेस्ड आ गई तो 5 नंबर, या चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग या जिसको बोलते हैं फिक्चुअस लैंग्वेज वाली, उस पर अगर आती है तो भी 5 नंबर का हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये टोटल मान के चलिए 20 नंबर का मामला रहेगा। डेटा सफिशिएंसी हो सकता है प्री में ना पूछे बट मेंस में आएगी, तो ये भी जब आती है तो ये 5 नंबर कम से कम लेकर के आती है, और इनइक्वालिटी तो मान के चलिए फिक्स है 5 नंबर की। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज काफ़ी दिनों बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने चैनल पर फिर से सारी चीज़ों को। सबसे पहले मैं आरआरबी क्लर्क और पीओ के रिगार्डिंग जितने भी मैंने रीजनिंग के सारे टॉपिक बताए हैं इनके 1x1 आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको करना ये, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई इशू हो, कोई बात पूछनी हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अपने टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे तो उसी में आएंगे। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।